आपको बता दें कि 2019 में सरकार बनवाने में पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने आपसे कुछ देर पहले दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ भूमिका रही है, इसका जिक्र यहाँ पर किया है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने एनआरसी के मुद्दे पर भी, आइए आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता अगर परिवर्तन न करती तो ये 300 सीट पार करने का लक्ष्य शायद भारतीय जनता पार्टी प्राप्त नहीं कर सकती। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने 18 सीटें जिताकर एक परिवर्तन चाहिए, इसकी जो इच्छा व्यक्त करी है, अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।